नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 24 दिसंबर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। नए साल से बिहार में 45 से ज्यादा रूटों पर चलेगी नई बसें। तीनों फॉर्मेट में खेलने को लेकर ईशान किशन ने कही ये बातें। बिहार के शिक्षकों को मिलेगा अब शहरी आवास भत्ता। दिशा सालियान केस की जांच SIT से कराए जाने पर बोले सुशांत सिंह राजपूत के पिता। सरकार ने दी नोजल वैक्सीन को मंजूरी। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 53 रिक्तियों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी किया। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने विभिन्न डिसिप्लिन में सीनियर असिस्टेंट के कुल मिलाकर 53 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया। इन पदों के लिए अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो कैंडिडेट को संबंधित डिसिप्लिन में PG, BCom, डिप्लोमा पास होना चाहिए। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस वैकेंसी नोटिस से जुड़ी हुई समस्त जरूरी जानकारी के लिए इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। आवेदन करने की अंतिम तारीख 20 जनवरी 2023 है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट www.aai.aero.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। नए साल से बिहार में 45 से ज्यादा रूटों पर चलेंगी नई बसें। बिहार के लोगों को नए साल से और भी बेहतर परिवहन सेवा मिल रही है। बता दें कि नए साल के मौके पर यानी कि जनवरी से बिहार के 45 से ज्यादा रूटों पर नई बस सेवा शुरू होने वाली है जो विभिन्न जिलों में अप डाउन करेगी। इसको लेकर परिवहन विभाग की ओर से आवेदन भी मांगा गया है और साथ ही अंतर क्षेत्रीय मार्गों का भी चयन कर लिया गया है जहां से बसों का परिचालन किया जाएगा। इसके अलावा बस के ठहराव को भी चिन्हित कर लिया गया है जहां से लोग आराम से बस पकड़ सकते हैं। इन बसों के परिचालन की शुरुआत होने से वैसे लोगों को काफी सुविधा मिलेगी जो एक से दूसरे जिला जाना चाहते हैं। सरकार ने दी नोजल वैक्सीन को मंजूरी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से भारत बायोटेक के इंट्रोजनल कोविड टीके के 2 ड्रॉप के इस्तेमाल को लेकर मंजूरी दे दी गई है। बता दें कि इस टीके का इस्तेमाल 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए बूस्टर खुराक के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा और इसे देने में सुई का इस्तेमाल न करके सीधे नाक से दिया जाएगा। वहीं इसे बीते दिन टीकाकरण पंजीकरण मंच को कोविन पर भी जारी कर दिया गया है। इस वैक्सीन को नवम्बर महीने में भारत के औषधि महानियंत्रक के द्वारा बूस्टर डोज के तौर पर इस्तेमाल करने को लेकर मंजूरी दी गई थी। बता दें कि यह वैक्सीन सबसे पहले देश के प्राइवेट अस्पतालों में मिलेंगी। तीनों फॉर्मेट में खेलने को लेकर ईशान किशन ने कही ये बातें। बिहार की शान और भारतीय क्रिकेट टीम के आक्रामक बल्लेबाज ईशान किशन ने हाल ही में एक दिवसीय मैचों में दमदार प्रदर्शन दिखाया। फिलहाल ईशान किशन पटना में स्थित अपने पैतृक आवास आए हुए हैं। वहीं जब मीडिया से बातचीत करने के दौरान उनसे तीनों फॉर्मेट में खेलने को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि वो क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में खेलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वो सभी मैचों में अपना 100% देना चाहते हैं लेकिन अब सब कुछ सिलेक्शन पर निर्भर है कि उन्हें कौन सी जगह मिलेगी। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जब से उन्होंने दोहरा शतक जड़ा है तब से उनके कारण बिहार और झारखंड दोनों का नाम रोशन हुआ है जो उन्हें गौरवान्वित महसूस कराता है। बिहार लोक सेवा आयोग ने 2 दिनों के लिए क्यों रोकी आवेदन प्रक्रिया। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा BPSC 68वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर 22 दिसंबर को नोटिस जारी कर यह जानकारी दी गई थी कि आवेदन करने की अंतिम तिथि को 20 दिसंबर से बढ़ाते हुए 30 दिसंबर तक कर दिया गया है। वहीं बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा इस आवेदन प्रक्रिया पर 2 दिनों के लिए रोक लगा दिया गया है यानी कि अब अभ्यर्थी 24 और 25 दिसंबर को आवेदन नहीं कर सकेंगे। बता दें कि आवेदन करने के लिए 2 दिनों के लिए इसलिए प्रतिबंध लगाया गया है क्योंकि वेबसाइट पर मेंटेनेंस वर्क के चलते 25 दिसंबर को सुबह 4:30 बजे तक सर्वर बिजी रहेगा। सृजन घोटाले मामले को लेकर आरोपियों पर कसा शिकंजा। बिहार के बहुचर्चित सृजन घोटाले के मामले को लेकर कोर्ट के द्वारा दिए गए आदेश के बाद CBI ने मुख्य आरोपी स्वर्गीय मनोरमा देवी के बेटे अमित कुमार और बहू रजनी प्रिया के तिलका मांझे स्थित न्यू विक्रमशिला कॉलोनी में 3 मकानों पर नोटिस लगाया है। दरअसल इन दोनों आरोपितों को 22 दिसंबर को कोर्ट में हाजिर होना था लेकिन ये लोग कोर्ट में पेश नहीं हुए जिसके बाद उन पर कार्रवाई करते हुए उनके खिलाफ यह कदम उठाया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अमित प्रकाश और रजनी प्रिया शुरू से ही फरार चल रहे। इन दोनों पर लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया है। हालांकि अब तक CBI को इन दोनों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है।
बिहारी पर्यटन में आज हम बात करेंगे महाबोधि विहार के बारे में। महाबोधि विहार या महाबोधि मंदिर बोध गया स्थित प्रसिद्ध बौद्ध विहार है। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर घोषित किया है। यह विहार उसी स्थान पर खड़ा है जहां गौतम बुद्ध ने ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में ज्ञान प्राप्त किया था। इस विहार की बनावट सम्राट अशोक द्वारा स्थापित स्तूप के समान है। इस विहार में गौतम बुद्ध की एक बहुत बड़ी मूर्ति स्थापित है। यह मूर्ति पद्मासन की मुद्रा में है। यहाँ यह अनुश्रुति प्रचलित है कि यह मूर्ति उसी जगह स्थापित है जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान बुद्धत्व प्राप्त हुआ था। विहार के चारों ओर पत्थर की नक्काशेदार रेलिंग बनी हुई है। यह रेलिंग ही बोधगया में प्राप्त सबसे पुराने अवशेष है। इस विहार परिसर के दक्षिण पूर्व दिशा में प्राकृतिक दृश्यों से समृद्ध एक पार्क है जहां बौद्ध भिक्षु ध्यान साधना करते हैं। आम लोग इस पार्क में विहार प्रशासन की अनुमति लेकर ही प्रवेश कर सकते हैं। बिहार के शिक्षकों को मिलेगा अब शहरी आवास भत्ता। बिहार के शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। शिक्षा विभाग के द्वारा अब उन शिक्षकों को शहरी आवास भत्ता योजना भी दी जाएगी जो शहर के 8 किलोमीटर के दायरे से बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल आते हैं। इसके लिए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह के द्वारा जिलाधिकारियों को सख्ती प्रदान कर दिया गया है। मुख्य सचिव ने अपने आदेश में यह साफ कर दिया है कि शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों को शहरी आवास भत्ता विभाग की ओर से 1986 में वर्णित शर्तों के तहत दिया जा रहा है। विभाग के द्वारा दिए गए आदेश के बाद राजकीयकृत उच्च विद्यालय, राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय और राजकीय बुनियादी विद्यालयों के शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों को इसका लाभ दिया जाएगा। दिशा सालियान केस की जांच एसआईटी से कराए जाने पर बोले सुशांत सिंह राजपूत के पिता। सुशांत सिंह राजपूत के पूर्व मैनेजर दिशा सालियान के केस को लेकर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने राज्य विधानसभा में कहा कि इस मामले की जांच के लिए एक विशेष टीम गठित की जाए जिसके बाद एक एसआईटी टीम गठित की जाएगी जो इस मामले की जांच करेगी। वहीं एसआईटी टीम से जांच कराए जाने को लेकर अब सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि मैंने खबरों को देखा है, उसमें आदित्य ठाकरे का नाम आ रहा है। अब सच्चाई का पता एसआईटी की जांच में लगेगा। आदित्य ठाकरे को नार्को टेस्ट होना चाहिए या बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन सरकार दूसरी थी और उस सरकार के लोग भी इस मामले में शामिल थे जिस वजह से कुछ नहीं हो पाया। ये फैसला सही है। छपरा शराब कांड में बड़ा खुलासा, होम्योपैथ दवा से बनी थी शराब। बिहार के छपरा जिले में जहरीली शराब से हुए मौत के मामले को लेकर एसपी के द्वारा एक बड़ा खुलासा किया गया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बारे में जानकारी देते हुए कहा है कि छपरा में भारी मात्रा में होम्योपैथिक दवाई की खाली शीशी बरामद की गई थी, इसी से जहरीली शराब की सप्लाई होती थी। इसके साथ ही उन्होंने इस बात की भी जानकारी दी है कि इस मामले को लेकर 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। वह इस मामले को लेकर पुलिस मुख्यालय के एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार के द्वारा इस पूरे मामले को लेकर बयान दिया गया है। उन्होंने कहा है जो केमिकल पुलिस को प्राप्त हुआ है वह किसी और तरह का केमिकल है। फिलहाल पुलिस इस मामले को लेकर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। शीघ्र ही हम इस मामले में और कार्रवाई करेंगे। बीएसएससी तृतीय स्नातक परीक्षा का पेपर हुआ वायरल। बीते दिन 8 साल बाद हो रहे बीएसएससी तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया गया, लेकिन इसी बीच छात्र नेता दिलीप कुमार के द्वारा एक जानकारी देते हुए दावा किया गया है कि पहले शिफ्ट की परीक्षा के दौरान कई व्हाट्सएप ग्रुप में एक क्वेश्चन पेपर वायरल हो रहे थे जो कि परीक्षा में पूछे गए सवालों में से मेल खा रहे थे। हालांकि बीएसएससी तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा को लेकर आधिकारिक रूप से पेपर लीक होने या रद्द होने से जुड़ी कोई खबर सामने नहीं आई है और बिहारी न्यूज इस वायरल क्वेश्चन पेपर की पुष्टि नहीं करता है। बोधगया में महाकड़ाही, एक साथ 40,000 लोगों के लिए बनेगी चाय। बिहार के बोधगया में बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा का आगमन हो चुका है। ऐसे में इस बार बोधगया में कुछ खास होने वाला है। दरअसल दिसंबर माह के 29, 30 और 31 तारीख को बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा का प्रवचन होगा जिसमें ऐसी उम्मीद की जा रही है कि देश विदेश के कुल मिलाकर 50,000 से अधिक बौद्ध श्रद्धालु इस प्रवचन में शामिल होने के लिए आ सकते हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं को चाय पिलाने के लिए महाकड़ाही लाई गई है जिसमें एक बार में कुल 40,000 लोगों के लिए चाय को बनाया जा सकता है। इसके लिए 3 बड़ी कड़ाही और 2,000 केतलियां लाई गई है और साथ ही महा किचन की भी व्यवस्था की गई है जिसमें 30 फीट लंबाई और 10 फीट चौड़ी चूल्हे का निर्माण किया गया है। बिहार में कोहरे के साथ सर्द हवा का प्रकोप जारी। बिहार में कोहरे ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। शाम होते ही पछुआ का प्रकोप बढ़ गया है। वातावरण में कनकनी का असर है। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ी इलाकों में चल रही बर्फीली हवा का प्रकोप जारी है जिसकी वजह से वातावरण में कनकनी महसूस की जा रही है। मौसम विभाग के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अगले 4 दिनों तक तेजी से रात के तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। इस कारण बीते दिनों के मुकाबले तेज हवा के कारण ठिठुरन वाली ठंड बढ़ेगी। साथ ही अगले 3 दिनों तक सुबह में
में घना कोहरा छाए रहेगा। शोध करने वाले छात्र को मिलेगा हर महीने 10,000 का स्कॉलरशिप। शोध और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए चीफ मिनिस्टर डॉक्टरल फेलोशिप स्कीम बिहार के सभी यूनिवर्सिटी में नए सत्र से लागू होगी। बिहार सरकार द्वारा पहली बार उच्च शिक्षा में इतना बड़ा फैसला लिया जा रहा है। इस फेलोशिप स्कीम को 17 यूनिवर्सिटीज में लॉन्च किया जाना है। आपको बता दें कि इस स्कीम पर लगभग 5 से 8 करोड़ वार्षिक खर्च होने हैं। बिहार के लगभग 450 विद्यार्थियों को प्रत्येक वर्ष पीएचडी करने के लिए फेलोशिप दी जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार इस फेलोशिप को सभी विषयों के विद्यार्थियों को देना है। शोध करने वाले छात्रों को हर महीने 10,000 रुपए स्कॉलरशिप दिए जाएंगे, लेकिन यह लाभ उन्हें ही मिलेगा जो छात्र नेट उत्तीर्ण है लेकिन यूजीसी से जेआरएफ नहीं मिला है। नए साल से बिहार के 3 अस्पतालों में जनवरी से जीनोम सिक्वेंसिंग की सुविधा होगी उपलब्ध। कोरोना के नए वेरिएंट BF7 को लेकर केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक के द्वारा अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई है। बता दें कि बीते गुरुवार को बिहार के स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत के द्वारा समीक्षा बैठक की गई और अस्पतालों को कई निर्देश दिए गए, जिसके तहत अब नए साल से बिहार के 3 अस्पतालों में जीनोम सिक्वेंसिंग की सुविधा उपलब्ध होने वाली है। बिहार के जिन 3 अस्पतालों में इसकी शुरुआत होने वाली है उसमें IGIMS पटना के अलावा RMRI पटना और SKMCH मुजफ्फरपुर शामिल है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फिलहाल बिहार में नए कोरोना संक्रमितों की संख्या 0 है। बिहार का दुल्हा नीदरलैंड के दुल्हन, वायरल हुई ये इंटरनेशनल शादी। इन दिनों एक इंटरनेशनल शादी का वीडियो खूब वायरल हो रहा है जो लोगों को खूब पसंद आ रहा है। बता दें कि इस शादी में दुल्हा बिहार का है तो वहीं दुल्हन नीदरलैंड की। देसी दुल्हे ने अपने विदेशी दुल्हन के साथ शादी की तस्वीरें और वीडियो शेयर की है। दरअसल दुल्हा बिहार का रहने वाला है पर वो अपनी मास्टर डिग्री की पढ़ाई करने के लिए ऑस्ट्रेलिया गया था, जहां उसकी मुलाकात नीदरलैंड की मायरा से हुई। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती हुई और फिर प्यार हुआ। इन सब के बीच खास बात यह है कि दोनों यूट्यूबर है। इन दोनों ने अपनी शादी अपने माता पिता की सहमति के साथ हिंदू रीति रिवाज के अनुसार की है। पटना से सीधे दिल्ली के लिए चलेगी बिहार परिवहन निगम की बसें। बिहार से देश की राजधानी दिल्ली जाने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है। दरअसल बिहार परिवहन विभाग की ओर से दिल्ली सरकार से बातचीत कर पटना से राजधानी दिल्ली के लिए बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की बसों को चलाने को लेकर सहमति ली जाएगी और उस फिर करार किया जाएगा। इसके बाद पटना से दिल्ली के लिए बसों का परिचालन शुरू कर दिया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी पटना से नगर निगम की बसें दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन के पास यूपी में कौसाम्बी बस अड्डे तक के लिए जाती है। वहां से यात्रियों को दिल्ली के लिए दूसरे वाहनों की सेवा लेनी पड़ती थी। भाजपा की मांग, सीएम नीतीश मुआवजा और इस्तीफा दे। बिहार में जहरीली शराब कांड से हुई मौतों पर मृतकों के परिजनों को मुआवजे देने की मांग को लेकर बीजेपी सांसदों के द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं बीते दिन शुक्रवार को भाजपा सांसदों ने सांसद परिसर में प्रदर्शन किया। बता दें कि भाजपा का कहना है कि राज्य में जिन भी लोगों की मौतें शराब पीने से हुई है उसके जिम्मेदार नीतीश कुमार की महागठबंधन सरकार है, इसलिए नीतीश कुमार को मृतकों के परिजनों को मुआवजा देना चाहिए और अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि शराबबंदी कानून के प्रावधानों में भी शराब से होने वाली मौत पर मुआवजा देने का प्रावधान है। प्रदर्शन के दौरान भाजपा सांसद अपने हाथों में तख्ती लेकर आए थे जिसमें नीतीश कुमार के खिलाफ नारे लिखे गए थे। इन्हीं नारों को लगाकर बीजेपी सांसदों ने अपना विरोध जताया। माहौल खराब होने पर अपने ही बयान से पलटे सिद्दीकी। पिछले दिनों महागठबंधन के मुख्य सहयोगी दल RJD के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा था कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है और यहाँ रहने में डर लगता है, यहाँ रहने लायक नहीं है, जिसके बाद अपने इस बयान को लेकर माहौल खराब होते देख वे अपने उस बयान से पीछे हट गए। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए अपने दिए गए बयान के लिए सॉरी कहा और कहा कि हमारे जैसे व्यक्ति को अगर 10 बार जन्म लेना पड़े तो हमारा जन्म भारत में ही हो, हम तो देश की मिट्टी से जुड़े हैं। ऐसा नहीं है कि मेरी भारत के प्रति कोई आस्था नहीं है, मैंने यह बात केवल बहस के दौरान कह दी थी। IPL 2023 के ऑक्शन में सबसे महंगे बिके ये खिलाड़ी। बीते दिन IPL 2023 के लिए नीलामी की प्रक्रिया हुई। कोच्चि में हो रहे इस नीलामी में जाने पहचाने स्टार खिलाड़ियों के भाग्य का फैसला हुआ। इस ऑक्शन में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी इंग्लैंड के सैम कुरेन हैं। बता दें कि सैम कुरेन को पंजाब किंग्स ने 18.50 करोड़ रुपए में खरीदा है। वहीं सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के कैमरन ग्रीन को रहे हैं, जिन्हें मुंबई इंडियंस ने 17.50 करोड़ रुपए में अपनी टीम से जोड़ा। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर बेन स्टोक्स रहे, जिन्हें चेन्नई सुपर किंग्स के द्वारा 16.25 करोड़ रुपए में खरीद कर अपनी टीम में शामिल किया गया है। वहीं बिहार के मुकेश कुमार को 5.5 करोड़ में दिल्ली कैपिटल्स ने खरीदा। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास।
लोटस टेम्पल 1986 में श्रद्धालुओं के लिए खोला गया था। भारत में 1986 में संसद द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया, इसलिए भारत में 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। देश का पहला अम्यूजमेंट पार्क एसएल वर्ल्ड 1979 में महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में खोला गया। विश्वनाथन आनंद 2000 में विश्व शतरंज चैंपियन बने। दिल्ली मेट्रो का शुभारंभ 2002 में सहदरा 30,000 लाइन से शुरू हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय को 2014 में भारत रत्न देने की घोषणा हुई। स्वतंत्रता सेनानी एवं महादेव देसाई के पुत्र नारायण भाई देसाई का जन्म 1924 में हुआ। भारतीय गायक मोहम्मद रफी का जन्म 1924 में हुआ। भारतीय अभिनेता अनिल कपूर का जन्म 1959 में हुआ। भारतीय हिंदी सिनेमा की प्रसिद्ध अभिनेत्री प्रीति सपरू का जन्म 1961 में हुआ। यूरोप से भारत तक पहुंचने के समुद्री मार्ग का पता लगाने वाले पुर्तगाली खोजी नाविक वास्को डी गामा का 1524 में कोच्चि भारत में निधन हो गया। वायरल खबर में आज हम बात करेंगे ईमेल प्रोफाइल को सत्यापित करने के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे ईमेल प्रोफाइल को सत्यापित करने के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि एनआईसी के नाम से विभिन्न सरकारी विभागों को एक लिंक के साथ एक ईमेल भेजा गया है, जिसमें उनके सरकारी ईमेल प्रोफाइल को सत्यापित करने के लिए कहा गया है। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि यह ईमेल फर्जी है और एनआईसी मीटी के द्वारा नहीं भेजा गया है। दुर्भाग्यपूर्ण इरादे से भेजे गए ऐसे फर्जी ईमेल से सावधान रहें। बीते दिन सेंसेक्स 60,000 के नीचे, एनएसई 320 अंक लुढ़का। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन यानी कि बीते कल को शेयर बाजार की हालत खराब रही। सेंसेक्स 980.93 अंकों की गिरावट के साथ 59,845.29 पर बंद हुआ। वहीं एनएसई 320.55 अंक की गिरावट के साथ 17,806.80 पर बंद हुआ। बीते दिन सेंसेक्स 338.51 अंक या 0.56% गिरावट के साथ 60,487.71 अंक पर ओपन हुआ था। वहीं एनएसई 98 अंक या 0.54% की गिरावट के साथ 18,029.35 पर खुला था। बता दें कि बीते दिन सेंसेक्स के शेयरों में महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज फिनसर्व, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, लार्सन एंड टुब्रो, एक्सिस बैंक और एनटीपीसी नुकसान में रहा। वहीं दूसरी ओर अल्ट्राटेक सीमेंट, इन्फोसिस, एशियन पेंट्स, कोटक महिंद्रा बैंक, सन फार्मा और भारतीय एयरटेल फायदे में रहे। जल्दी खत्म होगी नेटफ्लिक्स पर पासवर्ड शेयर करने की सुविधा। भारत में कई वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म हैं जो लंबे समय से काफी लोकप्रिय रहे हैं, जिसमें नेटफ्लिक्स भी शामिल है। लेकिन भारत में एक अकाउंट में कई लोग लॉगिन कर लेते हैं, जिसकी वजह से कंपनी को नुकसान होता है। लोग एक ही अकाउंट का पासवर्ड कई लोगों के साथ शेयर करते हैं। अब नेटफ्लिक्स पासवर्ड साझा करने की प्रथा को खत्म कर रहा है। वाशिंगटन जर्नल की रिपोर्ट से पता चला है कि नेटफ्लिक्स अगले साल यूजर्स को पासवर्ड शेयर करने से रोकने की योजना, उन यूजर्स को नए कस्टमर्स में बदलने की उम्मीद है जो पासवर्ड शेयरिंग का हिस्सा है। हालांकि नेटफ्लिक्स ने माना है कि पासवर्ड शेयरिंग को खत्म करना ग्राहकों के साथ ठीक नहीं होगा और कंपनी को बैकलैश से निपटना पड़ सकता है। हालांकि स्ट्रीमिंग दिग्गज धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और इसे अचानक ही से लागू नहीं किया जाएगा। तारकिशोर प्रसाद ने बीजेपी को लेकर कही ये बात। बिहार बीजेपी के बैठकों के दौर में बीते दिन बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कोर कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई वरिष्ठ नेता भाग ले रहे हैं। वहीं इस बैठक में भाग लेने से पहले पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बीजेपी को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में रहती है। चुनाव जीतने के साथ ही हम लोग तैयारी शुरू कर देते हैं और यह संगठन के लिए कोई नई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि जहां तक विधानसभा चुनाव की बात है या लोकसभा चुनाव की बात है, उससे पहले भी हम लोगों का इस तरह की बैठकों का दौर जारी है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है, उनके नाम है नीलम शर्मा, रविंद्र पासवान, पूजा कुमारी, रामशंकर सिंह, कन्हैया कुमार, कुलदीप कुमार, राजकुमार प्रसाद, मोटू रंगीला, राजकुमार प्रसाद, नुन्नू गोलू कुमार, भान प्रकाश मौर्य, मुन्ना कुमार राज, वेद प्रकाश सिंह, रोशन कुमार, जितेंद्र रविदास। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार ईशान किशन के फॉर्म को देखते हुए क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में खेलने की क्षमता रखते हैं या नहीं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।